Hey Poke fans and Poke girls, welcome to the world of Pokemon Ash Gray. तो हम लोग चलते हैं अंदर यार, लेकिन तुम लोगों ने कहा था कि प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए, लेकिन यार अभी तो हमें अपनी मॉम से एक नई चीज़ मिली, जरा उसका यूज ना करने तो यार बेकार है यार। तो यूज करते हैं जरा अपने इस चीज़ का, जिसका नाम है वर्फ सिस्टम, जिससे हम लोग कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। बेसिकली हम लोग जा सकते हैं किसी भी, ऐसे कह सकते हो तुम लोग कि पोकेमॉन सेंटर में। तो मेरे ख्याल से रूट 11 क्या चीज़ है, जरा देखते हैं जाके यार रूट 11 क्या है, रैंडम ऐसे है यार, देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। ओहो परिकॉन, क्या हाल है भाई? अरे भाई ये तो बाइनरी में चल रहा है। नहीं नहीं भाई, तो उसे बात नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे रूट 11, और ये तो मैंशन लग रहा है वो वाला जो हम लोग यहाँ पे पहले एक बार गए थे, इमिटाइट नकल विला। तो इधर से देखते हैं क्या है। एक जैंक्स लग रही तेरे मेरे को, अरे बात करते हैं जैंक्स से। इट्स ए जैंक्स कैरिंग ए बोट, बोट वन द इनसाइड इज ए पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज। तो इसके बाद कोई सेंटा क्लॉज की पिक्चर यार, तो जैंक्स है। ए लैप्रस भी बीच में आ गया है पता नहीं कैसे। लैप्रस यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम सही जगह पे हो, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। सेंटा लॉस्ट हिज बूट एंड दिस जैंक्स ए फ्यू डेज अगो। तो सेंटा का जो बूट है ना, वो कहते हैं खो गया है, और वो बूट असल में है इस जैंक्स के पास। तो हमें जाके देना पड़ेगा सेंटा को, लग रहा है उसका बूट। आई कैन टेक यू नॉर्थ टू मीट हिम, वुड यू लाइक टू गो? यस यार, जाना चाहेंगे हम लोग। वेरी वेल, लेट्स गो। चलो यार सेंटा क्लॉज से मिलते हैं नॉर्थ पोल। कितनी भयानक ठंड वाली जगह है ये तो यार। पोकेबॉल, अरे यार पोकेमोन अपीयर्स होते रहते हैं। एक यहाँ पे भी हो रहा है अपीयर, अपने पास पता नहीं रेपल होगी कि नहीं। ये क्या है, आइस हील। चलो यार चुपके सारे, बाप रे बर्फ़ में दब गए यार, मैं तो किसी तरीके निकल भी नहीं पा रहा हूँ यार। कैसी जगह यार, आज सेंटा क्लॉज से मिलने का मज़ा ही कुछ और है यार। चलते मिलते सेंटा क्लॉज, यही लग रहा है घर है सेंटा क्लॉज का। लेकिन ये पोकेमोन मुझे छोड़ दे तब तो जाएँ हम लोग। मेरे ख्याल से मुझे यूज करना चाहिए रेपल नाम के एक आइटम का, जो कि हमें हमेशा मिलता रहता है। रेपल 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 सुपर रेपल 14 है यार, इतना तो बहुत काफ़ी अपने लिए यार, बहुत सही। आप बताते हैं, अब तो एकदम खड़े होकर यार बर्फ खतरनाक है। सेंटास वर्कशॉप, तो सेंटा का ये यहीं पे काम चलता है, सेंटा यहाँ बनाते हैं गिफ्ट तुम लोगों के लिए यार। चलते हैं हम लोग भी, देखते हैं क्या क्या बनता है यहाँ। जैंक्स 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 यार, जैंक्स मेरे ख्याल से ह्यूमन टाइप पोकेमॉन है यार, जो कि आदमी इंसान के तरीके लगती है थोड़ी सी। अब पता नहीं मेल है कि फीमेल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फीमेल ही लगती है वैसे तो मेरे को। चलो चलते हैं यार आगे, पहले यहाँ से सेंटा वर्कशॉप, ये रहे सेंटा क्लॉज, मिल के मज़ा आएगा आज तो यार। आ माय बूट, आई वॉज अफ्रेड दैट आई वुड हैव टू डिलीवर ऑल द चिल्ड्रंस प्रेजेंट्स विदाउट इट एनी माय टॉयस वुड फ्रीज। सही करें यार, बिना बूट के जाते तो इनके यार पैर वैसे ही फ्रीज हो जाते यार, मोजा पहन के जाते खाली। तो इनको हम लोग ने इनका बूट वापस कर दिया, अभी चले जाएंगे सब बच्चों को अपना गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच स्वामी, एज योर रिवार्ड हेयर योर क्रिसमस प्रेजेंट। तो हमें भी अपना क्रिसमस का प्रेजेंट मिल रहा है, क्या ये पोके डॉल, इसका क्या यूज होगा यार। मेरी क्रिसमस स्वामी, मेरी क्रिसमस सेंटा क्लॉज, पता नहीं नाम क्या है इसका, सेंटा क्लॉज ही नाम है। देखते हैं पोके डॉल क्या चीज़ है। पोके डॉल ये रही, ए अट्रैक्टिव डॉल, यूज इट टू फ्ली फ्रॉम, फ्री है मैंने लिखा था, फ्री फ्रॉम एनी बैटल विथ ए वाइल्ड पोकेमॉन। तो वाइल्ड पोकेमॉन पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, पोके डॉल का। ये सही टाइम नहीं है, वाइल्ड पोकेमॉन कोई अपीयर होगा तो शायद हम लोग कर सकते हैं पोके डॉल का, शायद वो अट्रैक्ट हो जाए हमसे और हमारे पास आ जाए, ऐसा कुछ मूव हो सकता है। तुम लोग बता देना क्या मूव है। व्हाट कुड दिस मशीन बी, बेटर नॉट मैस अराउंड विथ इट। अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने यार डिमांड की थी कि दो एपिसोड से एक साथ लाओ, तो कोई नहीं यार दो एपिसोड एक साथ लाते हैं। देखते इधर कुछ पीछे तो दिख नहीं रहा अपने को, चेयर्स रखे बहुत सारे, जैंक्स लग रहा है जैंक्स के साथ जाता है सेंटा क्लॉज, अच्छी चीज़ है यार। तो अपने पास रेपल तो है ही, फिलहाल चलते हैं अपने और बढ़ते हुए आगे, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, खास चीज़ें हैं। बर्फ़ है पहली बात, तो दूसरे से हम लोग फंस चुके हैं इसमें। इधर से रास्ता बंद लग रहा है, इधर से देखते हैं कुछ है, ये रास्ता लग रहा होगा, ये भी बंद है यार, ये तो कुछ नहीं यार, खाली बर्फ़ है खाली, मुझे लगा यार रास्ता बंद है, उधर भी ऐसे बर्फ़ थी। चलो यार चलते हैं। तो तुम लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने यार इसमें बात करना चाहूँगा कि वोट दिया था यार कि
एडवेंचर है चैप्टर फिर से लाओ। कई लोगों ने कहा नो, कई लोगों ने कहा यस। जिन लोगों ने भी यार नो कहा यार, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि तुम लोग यार वहीं से देखना जब जहाँ से मैं फिर आएगा धीरे धीरे। 20 कितने बनाए थे मैंने यार, मैंने पोकेमॉन लीग तक खेला था शायद, उससे अगर तुम लोग देख सकते हो तो हमें यहाँ जाना है। ये क्या हो रहा है यार? तो तुम लोग यार बुरा मत मानना जिसने भी नो कहा था यार, और मैं लाऊंगा फिर से, क्या करूँ, लाना ही पड़ेगा, इतने सारे लोगों ने कहा है तो। एन इंटेंस स्नो स्टॉर्म व्हिप्ड अप, बेटर टेक कवर। तो यार हमें कहीं चले जाना चाहिए छुप के यार, यहाँ पे बहुत तेज आंधी तूफान आने वाली लग रहा है, चलते निकलते इधर से जल्दी से। भाई तूफान आ गया यार, अबे यार ना तेज बर्फ पड़ रही है, यहाँ तो फंस गए यार पूरी तरीके से हम तो अंदर ही। ये तो कोई गुफा लग रही है यार, इधर कुछ है? कुछ नहीं, इधर चलते हैं गुफा के अंदर। इट्स फ्रीजिंग इन दिस केव। तो यार इस केव में हम लोग फ्रीज हो चुके हैं, पूरा जम चुके हैं यार, ये कैसी जगह है यार। बल्बासोर बाहर आ गया यार, ये कैसे? ये अपना वाला है बल्बासोर, बल्बा बल्बा। स्क्वाटल भी बाहर आ गया यार, स्क्वाटल स्क्वाटल। पिकाचू भी बाहर आ गया, पिक्का पिक्का। मेरे दोस्तों तुम लोग जीत गए यार, गेस वी विल ऑल बी कॉल्ड टुगेदर। चलो साथ में मरते हैं, मरते हैं साथ में, मतलब ठंड का मजा लेंगे, क्या करना है। लग रहा ठंड लग रही थी इसलिए मेरे मुझे बचाने के लिए आ गया, मेरे सारे पोकेमोन इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे। मेनी आवर्स पास अंटिल फाइनली द स्नो स्टॉर्म सबसाइड्स। तो कई घंटे बीत चुके हैं मेरे ख्याल से, और शायद स्नो स्टॉर्म निकल गया होगा अब तो। यार पोकेमोन भी शायद सुरक्षित होंगे, देखते हैं पोकेमोन को अपने। सही है, सब ठीक ठाक है, हम भी ठीक हैं। तो अब निकलते हैं इधर से बाहर जरा। तो ये अच्छी जगह है यार, सैंड स्टॉर्म चला गया, बहुत खतरनाक आंधी थी, तूफान था यार, बच गए हम लोग किसी तरीके से। तो चलते हैं इधर से यार, मेरे ख्याल से यहीं से रास्ता होगा कहीं। इधर पीछे कुछ रखा था मेरे ख्याल से, ये रहा एक बॉल थी, इसको ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। रास्ता बंद है, लग रहा है किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा अपने को। ये तो वैसे भी यहाँ पे बर्फ़ है, खूब फंस भी सकते हैं हम लोग अंदर ही कहीं, फिर भी निकलेंगे यार। अरे यार ये भी बंद है, इधर बंद है। अरे अरे यार इतनी दूर आके नहीं, मुझे वो चीज़ लेनी है यार। तेरी हिम्मत कितनी मुझे गिराने की, हम लोग ले करें किसी भी तरीके से, लेना है तो लेना है भाई, लेना है। अरे अरे बर्फ के अंदर जूझ के जाएंगे हम लोग, लेकिन जाएंगे। ये भी बंद, खास ऐसा कुछ है जैसे बर्फ को तोड़ सकते हैं हम लोग यार, ऐसा कुछ भी आता है क्या, कोई फावड़ा वावड़ा? इस रास्ते जाने में गलती कर रहा था, अगली बार चलो अब सही जाऊंगा। अरे यार ये बर्फ कितनी खतरनाक है, दौड़ने से भी काम नहीं बन रहा। यहीं पे होगा वो, ये रहा ब्लिजार्ड। ये कौन सी मूव है, कौन सा मूव, इधर देखते हैं। बैग ब्लिजार्ड यहाँ पे होगा क्या? मूव में मेरे ख्याल से होगा, टीएम के केस में ब्लिजार्ड ये है यार, ये एक आइस टाइप मूव है ब्लिजार्ड। इसका जो साथ हम लोग कर सकते हैं, नहीं ये टीएम नहीं है कोई। द फो इज ब्लास्टेड विथ ए ब्लिजार्ड, इट मेनी फ्रीज द फो इज सॉलिड। तो इसी से हम लोग किसी पोकेमोन को फ्रीज कर सकते हैं, अपने पास कोई आइस टाइप पोकेमोन हो तो उसको देंगे। और ऊपर से कितनी अच्छी स्नो गिर रही थी यार। वेल मज़ा आ गया आज के एपिसोड में यार, दो एपिसोड खेला हम लोगों ने, यहीं से निकलते हैं, शॉर्टकट है ये। भाई लेप्रस कहाँ है तू यार? लेप्रस, ए लेप्रस कहाँ है? इधर घूमे नहीं हम लोगों ने, देखते इधर भी कुछ चीज़ें ना मिल जाए हमें कहीं। वैसे भी यहाँ पे आने का मौका पता नहीं कब मिले फिर। बाप रे इतनी बर्फ कितनी, हम तो पूरा वाइट वाइट हो गया यार। ये रहा लेप्रस अपना प्यारा लेप्रस। हैव यू डन एवरी थिंग यू वॉन्टेड टू डू एट द नॉर्थ पोल? यस। वुड यू लाइक टू रिटर्न टू द कैंटो रीजन? हाँ यार फिर मुझे मेरे घर पे वापस जाना है। यस वेरी वेल लेट्स गो। तो हमें इसने फिर से पहुंचा दिया रूट 11 में जहाँ पे हम लोग आए थे। सो हमें अब चलना चाहिए वापस यार अपने घर में। आज का मज़ा अच्छा हुआ अपने लिए, तो खूब मज़ा किया हम लोगों ने आज। अपने जो मॉम ने अपने को नया सिस्टम दिया था वार्प सिस्टम, हम लोग चलते हैं अपने घर में वापस पैलेट टाउन में। सो हम लोग अपने घर में वापस आ चुके हैं, और यार आज के दो एपिसोड तो अपने पूरे हो गए, तुम लोगों ने कहा भी था। तो यार वीडियो को लाइक कर देना यार अगर पसंद आया हो तुम्हें तो, और कमेंट करके बताना यार कि कैसा रहा। और यार पोकेमोन ग्लेज्ड यार लाऊंगा मैं यार, मैं भूल जाता हूँ यार,
आ जाएगा यार, कल ही आएगा। चलो ठीक है, कल ही लाऊंगा मैं पोकेमॉन ग्लेस्ट, डोंट वरी, इसकी चिंता मत करो, कल ही आएगा पोकेमॉन ग्लेस्ट। और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी वीडियो ऐसी मिलती रहे तुम्हें। और मैं फिर से जा रहा हूँ सोने यार, अब कल उठेंगे, आपके उल्टा मुँह सोऊंगा मैं, जा रहा हूँ सोने, जा बाय बाय, गुड नाइट यार, आज आराम से सोएंगे, कल हम लोग की फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, एक दिन और रुक जाने दो यार घर में, मुझे इतना जल्दी क्यों भगाना चाहते थे तुम लोग। बाय बाय, गुड नाइट।